अच्छा लगा, सबने बहुत मेहनत करी है। यहाँ अग्रवंशी वुमेन्स क्लब द्वारा 16 दिवसीय गंगौर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ शॉपिंग के लिए बहुत सारे स्टॉल है, व्यंजनों के स्टॉल्स है, महा हाउसी और बहुत सारे यहाँ पे गैदरिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। अग्रवंशी वुमेन्स क्लब द्वारा आयोजित गणगौर मेले में महिलाओं की भारी भीड़। अग्रवंशी वुमेन्स क्लब द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित गणगौर मेले का आयोजन शर्मा परिसर में किया गया। इस वर्ष भी मेले में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में 50 से अधिक शॉपिंग स्टॉल और 20 फूड स्टॉल लगे थे। महिलाओं ने जमकर खरीदारी की और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। वहीं मेले में फ्री मेहंदी, टैटू के स्टॉल भी थे, जहां महिलाओं ने मेहंदी लगवाई। मेले में मिसेज गणगौर और दोहा प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। विजेताओं को ढेर सारे उपहार दिए गए। मेले में महा हाउसी का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों रुपए के पुरस्कार दिए गए। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम की पत्नी सीमा मोहन यादव, सांसद संध्या अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, अग्रवंशी वुमेन्स क्लब के संरक्षक जगदीश अग्रवाल, MIC मेंबर प्रकाश शर्मा, पंचायत न्यास के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, संरक्षक उषा राजेश कंसल, हेमलता गुप्ता और कार्यक्रम संयोजक मनीषा अग्रवाल भी उपस्थित रहे। अग्रवंशी वुमेन्स क्लब की संस्थापिका ऋतु अग्रवाल ने बताया कि इस मेले का आयोजन हर साल किया जाता है और इसका उद्देश्य महिलाओं को एकजुट करना है और उन्हें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह मेला महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है और हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। आपका शुभ नाम? मेरा सीमा यादव। आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कैसा लगा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे स्टॉल लगाए हैं सबने। उज्जैन उज्जैन में इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए और अग्रवंशी वुमेन्स क्लब द्वारा जो इतनी मेहनत की गई है हमेशा होता रहना चाहिए सब कार्यक्रम, तो अच्छा लगता है। किस प्रकार का आयोजन किया गया है यहाँ पर? यहाँ अग्रवंशी वुमेन्स क्लब द्वारा 16 दिवसीय गंगौर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसी के तहत आज यहाँ गंगौर मेले का आयोजन हुआ है। यहाँ पर गंगौर मेले में बहुत सारी शॉपिंग, क्योंकि अभी सिंजारे की तीज आने वाली है तो सभी महिलाओं को शॉपिंग करने का रहता है, तो यहाँ शॉपिंग के लिए बहुत सारे स्टॉल है, व्यंजनों के स्टॉल्स है, महा हाउसी और बहुत सारे यहाँ पे गैदरिंग हुई है, डांस कंपटीशन, दोहा कंपटीशन और गंगौर मैया का बहुत सुंदर मंदिर सजाया है, 56 भोग का आयोजन किया गया है। कितने वर्षों से आयोजन होता आ रहा है और इस बार कितना भव्य हो चुका है ये? हम लोग करीबन 18 साल से का आयोजन करते आ रहे हैं और अभी 2 साल से हम गंगौर मेले का आयोजन कर रहे हैं। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में आज हमने देखा कि उज्जैन के ही CM मोहन यादव जी के घर का योगदान रहा है। हमें बहुत गर्व है कि आज हमारे मेले में सीमा भाभी आए हैं और सबसे बड़े गर्व की बात है कि हमें उज्जैन से CM मिले हैं, इसके लिए हमें बहुत गर्व होता है। और भाभी ऐसे ही हमारे साथ आते रहे, हमारे साथ आज हमारे बीच अनीता भाभी, संध्या भाभी, फिरोजिया भी आए हैं जो कि हमारे होने वाले सांसद हैं और डेफिनेटली यही सांसद हैं। आपका शुभ नाम? ऋतु मयूर अग्रवाल। आज आप कहाँ से बता रहे हैं और यहाँ आकर आपको कैसा लगा और यह आयोजन कितना भव्य रूप है? मैं उषा राजेश कंसल, इंदौर केंद्रीय समिति की अध्यक्ष राजेश कंसल के बच्चे हूँ। मुझे उज्जैन के अग्रवंशी वुमेन्स क्लब से हमेशा इन्विटेशन मिलता है, इन लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दे रखा है और संरक्षक बना रखा है, मुझे इतना प्रेम देते हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे आना ही पड़ता है, और ये ग्रुप इतना अच्छा है, इतना मान सम्मान देते हैं, इसके लिए हम इन सब के आभारी हैं। प्रोग्राम में आकर कैसा लगा आपको? अग्रवंशी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इतने सुंदर आयोजन रहा है इनका और बहुत ही अच्छा लगा। मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी, हमारे जिले के महामंत्री संजय अग्रवाल जी, हमारे अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय अग्रवाल जी, आदरणीय मयूर जी, हमारे MIC के सदस्य प्रकाश जी, अशोक जी, और आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आज गणगौर माता के जो उत्सव चल रहा है उसका यह कार्यक्रम है। मुझे पिछली बार भी कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, जो आस्था गार्डन में आपने किया था तो बड़ा अच्छा आपने उस समय भी किया था, आज भी किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं और जिस प्रकार से अभी प्रतियोगिताएं आपकी चल रही हैं वो तो हमारी परंपराओं को और हमारे
आने वाली नई पीढ़ियों को भी जागृत करती है कि किस प्रकार से हमारे पर्व रहे हैं और क्यों होता है। जैसा बताया भी आपने कि माता पार्वती जी ने उपवास किया था। उज्जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवीय की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ।